जय हिंद दोस्तों। एसएससी रिक्रूटमेंट यानी कि कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती निकाली हुई है। 3,261 पदों पर भर्ती निकाली हुई है, काफी बड़ी मात्रा में भर्ती है। इसमें 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि तीन टाइप की भर्तियां निकाली हुई हैं। तो इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करें, जो विभाग दिया है कर्मचारी चयन आयोग, इसके बाद पद का नाम, पद जो दिए हैं चार्ज मैन, इसके बाद एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती है। अदर, अदर में आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड से लेके चपरासी से लेके सारे पद अदर में आ जाते हैं। तो अदर के लिए 10th मांगा गया है, एमटीएस के लिए 12th मांगा गया है, चार्ज मैन और टेक्निकल के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, ध्यान रखें। इसके बाद स्थान दिया है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के कहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं और जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया ही होगी, ध्यान रखें। अंतिम तिथि 25/10/2021 तक फॉर्म अप्लाई कर लें, लास्ट डेट 25 अक्टूबर तक है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है www.ssc.nic.in पर लॉगिन कर लें। इसके थ्रू आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके थ्रू भी अप्लाई कर लें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पद के हिसाब से 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी कर सकते हैं और कोई ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखें। इसमें सेना द्वारा दी गई एक्स सर्विसमैन को डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री भी वैलिड है, ये ध्यान रखें। ये नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल दी है, नोटिफिकेशन बाद में दिखाएंगे कहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। इसके बाद नेम ऑफ पद, पोस्ट जो पद है उनका अलग अलग डिवाइडेशन दिया है। टोटल पद 3,261 पद है, ध्यान रखें। इसके बाद जूनियर सीड एनालिस्ट के 3 पद, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर के जो पद है 34 पद हैं, चार्ज मैन के 3 पद हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा जो पद है एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के 398 पद हैं। इसके बाद अदर के पद हैं, अदर के बाकी जितने बचते हैं वो अदर में आ जाते हैं, उसमें सिक्योरिटी गार्ड से लेके चपरासी और कई पद हैं, वो अलग अलग नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके थ्रू देख लेना। नौकरी प्रकाशित होने की तिथि है 25/9/2021 को प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अंतिम तिथि है 25/10/2021 तक फॉर्म अप्लाई कर लें। एजुकेशन की बात करें तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट चाहिए 18 से 30 साल एज होनी चाहिए जो भी अप्लाई करें। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को सर्विस प्लस 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ध्यान रखें। इसके बाद लिखित परीक्षा जो होगी कंप्यूटर पर आधारित होगी, कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा होगी, ध्यान रखें। वेतन की बात करें तो वेतन काफी अच्छी मात्रा में वेतन दिया जाता है। तो जो सैलरी पे लेवल A1 से लेके 6 तक दिया जाएगा वेतन, तो जो पे लेवल 1 होगा वो अदर में आ जाएगा, अदर जो भी अप्लाई करेंगे अदर में तो वो पे लेवल 1 मिलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पे लेवल 3 है और बाकी के लिए पे लेवल 6 है, तो ध्यान रखिए काफी बड़ी मात्रा में पेमेंट है इसकी, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके बाद ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फीस लगेगी 100 रुपये और फीस किसकी किसको नहीं देनी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं देनी है, ध्यान रखें। इसके बाद जो लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, उसके लिंक के बारे में दिखा देते हैं कहां से लिंक, कहां से डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन का ये लिंक है, क्लिक इधर करोगे तो आप नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगी। नोटिफिकेशन काफी बड़ी मात्रा में है, बड़ी है कम से कम 100 पन्नों की, इसलिए मैं नोटिफिकेशन पूरी दिखा नहीं सकता हूँ, आप देख लेना, ये हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इधर से अप्लाई भी कर सकते हैं और सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है, तो लॉगिन इधर से करें और इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लें। जो भी रजिस्ट्रेशन करें तो फीस
SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को नहीं देनी, बाकी सभी को फीस देनी है। तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।